रियली सॉरी। आज ये जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से तुम्हारी शादी अधूरी रह गई। जो होना था वही हुआ। कोई नहीं जानता कि ऋतिक की जिससे शादी हो रही थी वो शीशा थी, मैं नहीं। मैं जानती हूँ, तेरी सहेली को तेरी सौतन बना देती, पर मुझे क्या पता था मेरा बुढ़ा मालिक बाहुबली नहीं, भीगी बिल्ली है। माँ, जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि भगवान जी चाहते हैं वो ना हो। ये बोल तू नहीं चाहती थी, पर ऋतिक को काली नागिन के साथ देख के तेरा चेहरा तो सफेद पड़ा होगा जरूर। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है नागिन। माँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, एंकी जी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए कुछ लाती हूँ। माँ, किस लिए? उन्होंने आप पर हाथ उठाया और आप उनके लिए खाना बनाने जा रही हैं? क्या करूं बेटा, पत्नी हूं मैं उनकी, साथों निभाना ही पड़ेगा। पर सच्चाई ये है कि मैं ये सब कुछ अपने पति के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे पति के लिए कर रही हूँ, ऋतिक के लिए। सच्चाई तो ये है बेटा, अगर मैं एंकेशी का ख्याल रखूंगी तभी तो वो ऋतिक के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तुमने देखा ना कितना प्यार करता है ऋतिक अपने पिता से, पूरी रात उन्हीं के साथ बैठा था। अब ऋतिक ने जो भरोसा रखा है एंकी जी पे, वो कैसे तोड़ सकती है? कैसे तोड़ सकती है? माँ, माँ बहुत अच्छी है। मॉम, मैं डैड के ड्रॉप्स लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं एंकी जी के पास बैठती हूँ। तुम रात भर सोए नहीं ना? शिवन्या, मुझे उस नागिन से अब बहुत नफरत होने लग गई है। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन उस नागिन को छोड़ूंगा नहीं मैं। पर ऋतिक, पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उस नागिन का क्या दोष? डैड ने बताया मुझे, उस नागिन ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनकी हालत की। और तुम बार बार उस नागिन की वकालत क्यों करती हो? जैसे मैं इल्जाम नागिन पर नहीं, तुम पर लगा रहा हूं। सॉरी, वो मूड ठीक नहीं है तो प्लीज नाराज मत होना। युवराज, युवराज, ये कैसी आवाज थी? कहीं किसी ने भेजे तो नहीं? मुझे शीशा से बात करनी होगी, उससे पूछना होगा। शीशा, शीशा, लगता है वो अब तक मुझसे नाराज है, अब तो जाकर उसे मनाना होगा।
से लेके आज तक अपना हर पल अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ बांटी है शिवन्या, लेकिन आज आज मेरे मन में जो एहसास है वो तुम्हारे साथ कैसे बांट लूं? जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो इंसान मुझे भी प्यारा लगने लगा है। नहीं, मैं तुम्हारे प्यार से प्यार नहीं कर सकती शिवन्या। और ऋतिक, ऋतिक एक इंसान है और मैं एक नागिन, मैं एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं बताऊंगी शिवन्या को कि मेरे दिल में आज क्या है। मैं जानती हूं आज तुम्हारे दिल में क्या है। शिवान्या, मैं तुम्हारे दिल में बहुत सारा गुस्सा है, नाराजगी है मेरे लिए, पर मैं जानती हूँ कि उसी दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार भी है और मैंने उसी दिल को दुखा दिया, अपनी बहन को रुला दिया मैंने। माफ कर दो मुझे, बचपन में हम कितनी बार लड़ते थे, कट्टी कर लेते थे, मैं रूठ जाती तो तुम मुझे मना लेते, आज मैं तुम्हें मना रही हूँ शेषा, मुझसे गलती हो गई, माफ नहीं करोगी मुझे? बचपन से जानती हो मुझे, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती शिवन्या। तुम जानती हो कि वहां सबके सामने मैं शेषा नहीं शिवन्या थी। मैं ये भी जानती हूँ कि ऋतिक के दिल में सिर्फ तुम हो। नहीं शिवन्या, आज के बाद मैं तुम्हारी दिल की दुनिया के आस पास भी नहीं आऊंगी। नहीं शेषा, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरा इंतकाम सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी शेषा। एक दूसरे के लिए बस अब हम ही तो हैं। अगर तुम मुझे अपनाओगी नहीं, मुझे माफ नहीं करोगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी? शिवन्या कभी ना जान पाए मेरे दिल की बात। ये नागमणि यही कहीं छुपाई होगी इस नागिन ने, क्योंकि बरसों पहले भी मैंने यही पर देखा था नागमणि को। कहाँ चली गई वो नागमणि? पिछली बार वो नागमणि यही थी, मुझे ही शिवलिंग को हटाना होगा। इस शिवलिंग के नीचे ही उस नागमणि की कोई सुराग मिलेगी मुझे।
गुरुमा